हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आरसीआई एजु हब ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 25 एक्सरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इसमें टॉपिक है उत्सर्जन एवं मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, यानी कि एक्सरेटरी एंड यूरिन फॉर्मेशन। मानव जो है इसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन की जो क्रियाविधि होती है, कार्य की जो होती है, उसको अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है यूरिया का निर्माण, सेकंड और मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। सबसे पहले यूरिया फॉर्मेशन, यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है वो ऐसे प्राणियों के अंदर होता है जो नाइट्रोजनी पदार्थों को यूरिया में चेंज कर उत्सर्जी पदार्थ के रूप में या नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन, यानी कि मानव। मानव जो होता है वो यूरियोटेलिक प्राणी होता है, क्योंकि यह नाइट्रोजनी पदार्थों को यूरिया में बदल देता है और यूरिया के रूप में नाइट्रोजनी पदार्थों को उत्सर्जित करता है। इस वजह से इसको यूरियोटेलिक प्राणी कहते हैं, इस वजह से इसके अंदर यूरिया का निर्माण होता है। मानव में भी यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है, यूरिया का फॉर्मेशन वो लीवर में होता है, यकृत, यकृत के अंदर होता है। नेक्स्ट, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, इसके अंदर यकृत के अंदर बना हुआ यूरिया जो होता है वो यकृत सिरा के द्वारा यूरिया को पश्चिम महाशिरा में ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि यकृत में बने हुए यूरिया को यकृत सिरा के माध्यम से पश्चिम महाशिरा जो होती है उसमें पहुंचाया जाता है। पश्चिम महाशिरा के अंदर ब्लड जो होता है उससे यूरिया को अलग कर दिया जाता है, यानी कि पश्चिम महाशिरा से रुधिर से यूरिया को अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर इस महाशिरा के अंदर यूरिया रुधिर से अलग हो जाता है और इस प्रकार मूत्र का निर्माण होता है। इसको विभिन्न चरणों में डिवाइड किया गया है, विभिन्न चरणों में इसको बांटा गया है, जिसमें तीन चरण है, जिसमें फर्स्ट जो है वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन, परानिस्यंदन, सबसे फर्स्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परानिस्यंदन, सेकंड है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि वर्णात्मक पुनरावशोषण, वर्णात्मक पुनरावशोषण, थर्ड सिक्रेशन, श्रावण। मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि होती है, यूरिन फॉर्मेशन जो होता है उसको तीन स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन श्रावण, परानिस्यंदन, वर्णात्मक पुनरावशोषण और श्रावण। सबसे पहले यहाँ पर हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन यानी परानिस्यंदन की जो क्रिया है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परानिस्यंदन की क्रिया,
परानिस्यंदन की जो क्रिया होती है यह है नेफ्रॉन, यानी कि वृक्क नलिका कि मेलपी की काय में संपन्न होती है। परानिस्यंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन की जो क्रिया विधि है, क्रिया जो होती है वो नेफ्रॉन के मेलपी की काय के अंदर कंप्लीट होती है। मेलपी की जो काय होती है इसमें बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस इन दोनों के अंदर यहाँ पर सम्मिलित होता है। ये कंप्लीट मेलपी की काय का निर्माण करते हैं और इसके अंदर ही हम कह सकते हैं बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस के अंदर परानिस्यंदन की क्रियाविधि संपूर्ण होती है। इसके अंदर अभी नेक्स्ट लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़ा भी है बोमेन संपुट की संरचना और यहाँ से ग्लोमेरुलस यानी कि मेलपी की काय उसके अंदर हमने पढ़ा है और उसके अंदर हमने देखा है उसकी संरचना को। ये अपवाही धमनी, ये अभिवाही धमनी, यहाँ से बोमेन संपुट, ये वाला ग्लोमेरुलस, ये होता है। यानी कि बोमेन संपुट के अंदर जो नाइट्रोजनी पदार्थ युक्त रुधिर होता है उसको अपवाही धमनिका के माध्यम से इसके अंदर अभिवाही धमनिका के द्वारा इसमें लाया जाता है। इस रुधिर को यहाँ लाया जाता है, इस रुधिर को यहाँ से बाहर ले जाने वाली जो धमनियाँ होती हैं उनको अपवाही धमनियाँ कहते हैं। यहाँ से अभिवाही जो धमनी होती है इसका व्यास अपवाही धमनी से ज़्यादा होता है। यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है, बनने की जो क्रिया होती है उसमें रुधिर एक मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड ये छनता है या फिर इसमें से फिल्टर होता है। इसके अंदर ग्लोमेरुलस जो होता है, ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ होता है यानी कि रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। इस ग्लोमेरुलस के अंदर 0.1 μm के छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र जो होते हैं ये ग्लोमेरुलस की जो पारगम्यता होती है उस पारगम्यता को बढ़ा देते हैं, पारगम्यता इससे बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके अंदर बोमेन संपुट ये एक पतली छलनी की भांति कार्य करता है, यानी कि इसके द्वारा जो रुधिर होता है उसमें से नाइट्रोजनी पदार्थ और कुछ लवण जो होते हैं वो छनकर नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ से हम इस चीज़ को समझेंगे, अभिवाही धमनी में नाइट्रोजनी पदार्थ युक्त ब्लड ये इसके अंदर आता है, आने के बाद में यहाँ पर ये पूरा ग्लोमेरुलस है जिसमें छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से रुधिर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो है, नाइट्रोजनी पदार्थ और उसके साथ में कुछ आवश्यक पदार्थ जो होते हैं वो छनकर बोमेन संपुट की गुहा में आ जाते हैं, बोमेन संपुट की गुहा में आते हैं। अब यहाँ पर अभी जो यहाँ बात की है हमने व्यास की कि अभिवाही धमनियों का व्यास अपवाही धमनी से ज़्यादा होता है, इसका मतलब आने वाला जो रुधिर होगा वो ज़्यादा होगा और यहाँ से बाहर जाने वाला रुधिर कम रहता है। इसका मतलब कुछ समय के लिए रुधिर जो होता है वो कोशिका गुच्छ या केशिका गुच्छ जो होता है इसमें ठहरता है,
अधिक आता है, व्यास अधिक है इस वजह से ज़्यादा आता है, इनका अपवाही का कम व्यास है इसलिए बाहर कम निकल पाता है, कुछ समय के लिए यहाँ पर वो रुकता है। यहाँ पर रुकने की वजह से रुधिर जो होता है उसके ऊपर एक दाब उत्पन्न होता है जिसको GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक्स प्रेशर ये कहा जाता है। ये प्रेशर जो होता है ये लगता है, इस प्रेशर की वजह से ही इस रुधिर में से जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं वो छनकर कहाँ आते हैं, बोमेन संपुट की गुहा में। लेकिन इसी वक्त इसके ऊपर दो बल और कार्य करते हैं जो GHP या ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक्स प्रेशर जो है इसके विपरीत कार्य करते हैं। यहाँ पर GHP जो होता है इसका मान 70 mmHg होता है। फर्स्ट, विपरीत दिशा में जो कार्य करते हैं उनमें से ब्लड कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर, यहाँ जो ब्लड है जो कि इस कुछ समय के लिए यहाँ ठहरता है उसी में उस ब्लड के द्वारा जो दाब उत्पन्न हुआ है वो तो GHP, लेकिन इस ब्लड में उपस्थित कोलोइडल पदार्थ और इसमें उपस्थित कुछ रुधिर की कणिकाएं जो होती हैं, वो कणिकाएं ब्लड कार्पसेल्स और कोलोइडल जो पदार्थ होते हैं वो इसके विरुद्ध एक दाब उत्पन्न करते हैं जिसको BCOP या अपने यहाँ से बोल सकते हैं ब्लड कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर, ये उत्पन्न करती है जिसका जो माप होता है वो 30 mmHg ये होता है, जो कि विपरीत दिशा में लगता है। यहाँ पर अपन माइनस, यहाँ पर ये प्लस, क्योंकि छनने में जो सहायता कर रहा है वो तो GHP, लेकिन इसका विरोध जो कर रहा है वो ब्लड कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पर 30 mmHg। इसके अलावा एक प्रेशर और है, एक दाब और होता है जो कि इसका विरोध करता है। यहाँ से छनित पदार्थ जो है ये जो छन के आया है ये निस्यंदन जो है ये भी विपरीत दिशा में दाब उत्पन्न करता है जिसको CHP कहा जाता है। यहाँ पर CHP कोलोइडल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, CHP जो होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक्स प्रेशर, यानी कि छना हुआ भाग पदार्थ जो है वो भी विपरीत दिशा में एक दाब लगाता है CHP। इसका जो मान है माप ये 20 mmHg, ये भी विपरीत दिशा में है इसके, तो यहाँ भी अपन इसको माइनस लगा सकते हैं। इसके बाद में NEFP नेट इफेक्टिव यहाँ पर जो NEFP है यानी कि नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, फिल्ट्रेशन प्रेशर जहाँ से NEFP जो है वो यहाँ से छनित जो पदार्थ है ये वाला इसमें कुल दाब कितना लगा छनने के लिए वो है, यानी कि नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, यानी कि निस्यंद या फिल्टर होने में कितना दाब इफेक्टिव था, काम में आया, उसको बोलते हैं NEFP, जिसको हमें निकालना है यहाँ से। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले NEFP बराबर कौन सा इसमें सहायक है, GHP, तीन प्रेशर लगे GHP, इसे दूसरा ब्लड कोलोइडल ओस्मेटिक प्रेशर और थर्ड कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कि विपरीत दिशा में है इस वजह से यहाँ पर माइनस, लेकिन यहाँ से
VCOP + CHP दोनों यहाँ जुड़ेंगे क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है, तो इसलिए यहाँ से बराबर इसका 70 mmHg माइनस ये 30 + 20, 70 - 50 बराबर 20 mmHg। तो यहाँ पर NEFP यानी कि टोटल इफेक्टिव प्रेशर जो आया यहाँ पर, जिसकी वजह से रुधिर से नाइट्रोजनी पदार्थ और उसके साथ में कुछ आवश्यक पदार्थ छनकर बोमेन संपुट की गुहा में आए हैं, उसके ऊपर कितना दाब लगा जो कि इफेक्टिव था, वो 20 mmHg। तो परानिसंधन की क्रिया के लिए NEFB जो है, NEFB का मान 20 mmHg आता है। ग्लोमेरुलस की रक्त कोशिकाओं के, ग्लोमेरुलस जो है इसकी रक्त कोशिकाओं से प्लाज्मा, नाइट्रोजनी पदार्थ और कुछ आवश्यक पदार्थ का छनकर बोमेन संपुट की गुहा में आना परानिसंधन कहलाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। मनुष्य के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान एक मिनट के अंदर छनने वाला जो पदार्थ है, निस्यंद पदार्थ है, छनित पदार्थ ग्लोमेरुलस के द्वारा, वो 125 ml होता है, जो कि 24 घंटे में 180 लीटर हो जाता है। इसमें से जो यूरिन का निर्माण होता है, कुल यूरिन मूत्र का जो निर्माण होता है, वो 1 से 2 लीटर हो पाता है। तो यहाँ से दोबारा से एक बार समझ लें, ब्लड कितना फिल्टर होता है एक मिनट में, 1100 से 1200 ml ब्लड छनता है। छन जो पदार्थ है उसकी मात्रा कितनी है यहाँ से एक मिनट में, 1250 ml, 24 ओवर में 180 लीटर, जिसमें से आवश्यक पदार्थों का अवशोषण करने के बाद में उत्सर्जित होने लायक बचने वाला जो पदार्थ बचा है, जिसको यूरिन बोलते हैं, वो 1 से 2 लीटर होता है। सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे अभी इसके बाद में हम, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जो है वो वर्णात्मक पुनरावशोषण, यानी कि यहाँ से बनने वाला जो पदार्थ था, बनने वाला 180 लीटर है, वो 2 लीटर में कैसे बदला। कुछ पदार्थ जो हैं वो वापस अवशोषित हो जाते हैं वृक्क नलिकाओं के माध्यम से, तो उसके अंदर सभी भागों के द्वारा, वृक्क नलिकाओं के जितने भी भाग हैं उनके द्वारा कौन कौन से पदार्थों का किस प्रकार से अवशोषण होता है, उसको हम इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो सेकेंड पॉइंट यहाँ से आता है हमारा वर्णात्मक पुनरावशोषण, सेकेंड सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। वर्णात्मक पुनरावशोषण अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, बोमेन संपुट की गुहा में आया हुआ छनित पदार्थ जो है, जो निस्यंद जो है, उसके अंदर कुछ आवश्यक पदार्थ जो होते हैं वो भी उसमें छन जाते हैं, वो भी उसमें आ जाते हैं। तो वृक्क नलिका के द्वारा मेलपीगी काय के आगे का जो भाग है वो उन आवश्यक पदार्थों को वापस एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ से इसको विभिन्न भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो PCT में अवशोषण, सेकेंड हेनले के लूप में अवशोषण, थर्ड DCT में अवशोषण, और लास्ट पार्ट जो है वो संग्रह नलिका में अवशोषण। हम फर्स्ट यहां से पढ़ेंगे PCT, प्रोक्सीमल
कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्प्शन इन प्रोक्सीमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में पीसीटी के अंदर, यानी कि इसका पूरा नाम जो है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसमें बहुत अधिक संख्या में माइक्रोविलाई पाई जाती हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। माइक्रोविलाई जो होती हैं ये मिलकर ब्रूस बोर्डर का निर्माण करती हैं। ब्रूस बोर्डर जो होता है ये अवशोषण की सतह या दर इसको बढ़ा देता है। इसके निर्माण से 20 गुना अवशोषण बढ़ जाता है। इसके बाद में सबसे पहले अभी हम बात कर रहे थे इसकी संरचना जब पढ़ी थी, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो सक्रिय अवशोषण की क्रियाविधि के अंदर ऊर्जा जो काम आती है वो ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेन जो भाग है उसमें ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और विटामिन सी, इसका 100% पुनः अवशोषण और सक्रिय अवशोषण की क्रिया के द्वारा, सक्रिय अवशोषण क्रिया के माध्यम से पुनरावशोषण होता है। पीसीटी में ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, विटामिन सी का 100% वापस पुनरावशोषण हो जाता है सक्रिय अवशोषण की विधि के द्वारा, और इस विधि में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा इनको माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से यहाँ पर मिलती है। इसके बाद में इसके अंदर Na+, Ca+, K+ जो आयन होते हैं इन आयनों का भी पुनरावशोषण होता है, ये भी सक्रिय अवशोषण की क्रियाविधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट इसके अंदर H+ और NH3 का श्रावण होता है, जी इसके अंदर पीसीटी की जो भित्तियाँ पाई जाती हैं उन भित्तियों के द्वारा हाइड्रोजन और अमोनिया NH3 इसका स्राव किया जाता है। इसी के साथ HCO3- इसका अवशोषण किया जाता है, इसके द्वारा इसमें अवशोषण होता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका जो होती है, पीसीटी जो होती है, उसके द्वारा 65-80% भाग पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब बोमेन संपुट की गुहा में छन्नित पदार्थ जो है, जो कि कंप्लीटली पीसीटी के अंदर ट्रांसफर होता है, उस कंप्लीट का 65-80% यहां पर अवशोषित हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर H2O और Cl- इनका भी अवशोषण होता है, जो कि निष्क्रिय विधि के द्वारा निष्क्रिय अवशोषण होता है, जिसमें ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ से बचा हुआ जो भाग रहेगा वो आगे की ओर पीसीटी जो होती है वो ट्रांसफर करती है हेनले के लूप को। तो सेकंड पॉइंट अपना आ जाएगा हेनले के लूप में पुनरावशोषण। हेनले के लूप में भी दो पार्ट हैं, यहाँ अवरोही भुजा और एक है आरोही भुजा। अवरोही जो भुजा होती है ये जल के प्रति पारगम्य, लेकिन जो आयन जो पाए जाते हैं उन आयनों के प्रति अपारगम्य।
अवरोही भुजा नीचे से पतली ऊपर से थोड़ी मोटी होती है, जो कि आयन जो पाए जाते हैं इन आयनों के लिए पारगम्य और जल जो होता है उसके लिए अपारगम्य है। तो यहाँ से दोनों एक दूसरे के विपरीत, जल या फिर यूरिया, यहाँ पर जल और यूरिया पारगम्य होती है, इसका मतलब उसमें से अब्जोर्ब हो जाएगा। जिस भी पदार्थ का के लिए पारगम्य होती है वो पदार्थ उस जिले के माध्यम से या उस संरचना के माध्यम से अवशोषित हो जाता है, जिसके लिए वो अपारगम्य होती है वो उसका एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो यहाँ से अवरोही भुजा जो होती है वो जल और यूरिया के लिए पारगम्य होती है, इस वजह से यह जल और यूरिया का अवशोषण इसमें से करती है। लेकिन आयन जो पाए जाते हैं इसमें उनका यह बहुत ही कम अवशोषण कर पाती है। आरोही भुजा बिल्कुल इसके विपरीत, आयन जो पाए जाते हैं उनके लिए यह पारगम्य होती है, तो इसका ये अवशोषण कर लेती है, लेकिन जल के लिए अपारगम्य इसका अवशोषण ये नहीं कर पाती। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण। डीसीटी के अंदर पुनरावशोषण की जो क्रिया होती है उसमें मेन जो पार्ट है इसका, उसमें जल का अवशोषण, जल का अवशोषण जो होता है ये 19% तक होता है इसमें। इसके अवशोषण के लिए आवश्यक जो पदार्थ होते हैं उसके लिए एंजाइम होता है या हार्मोन पाया जाता है, ADH हार्मोन या वेसोप्रेसिन। इनकी उपस्थिति के अंदर ये जल का अवशोषण कर पाती है, ADH एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, इसकी उपस्थिति में ही जल का अवशोषण होता है। किसी भी कारणवश यदि ADH इसकी मात्रा में या एंटी डाइयूरेटिक की मात्रा जो है उसमें कमी आ जाती है तो यहाँ से जल का जो अवशोषण है वो कम होगा। अभी यहाँ से जैसे DCT इसमें पदार्थ भरा हुआ है, इस भित्ति के द्वारा जल का अवशोषण किया जाएगा ADH की उपस्थिति में, लेकिन ADH की मात्रा जो है वो कम है तो जल का जो अवशोषण होगा वो भी पहले से कम होगा, यानी कि जो यहाँ पे पदार्थ है उसके अंदर जल की मात्रा अधिक रहेगी। यूरिन जो बनेगा, मूत्र का जो निर्माण होगा उसके अंदर जल की मात्रा अधिक होने से इनका आयतन बढ़ जाता है। ये जो स्थिति आती है जिसमें मूत्र के अंदर जल की मात्रा अधिक होती है या उसका आयतन बढ़ जाता है उसको डायबिटीज इंसिपीड्स ये कहा जाता है। लास्ट पॉइंट फोर्थ, संग्रह नलिका। संग्रह नलिका जो होती है इसके अंदर पुनरावशोषण की जो क्रियाविधि होती है उसमें मुख्य रूप से H+ और K+ आयनों का, H+ और K+ जो आयन होते हैं इनका मुख्य रूप से अवशोषण होता है। इसके अतिरिक्त अब इसके अंदर बचा हुआ जो पदार्थ है जिसके अंदर यूरिया की मात्रा, यानी कि संग्रह नलिका के अंदर कुछ आयनों का अवशोषण होने के बाद बचा हुआ जो पदार्थ है जिसमें यूरिया की मात्रा शरीर के अंदर सर्वाधिक होती है, इसी को यूरिन या फिर मूत्र के रूप में बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन की जो क्रिया है वो कंप्लीट होती है। इसमें लास्ट इसका पॉइंट बचा है सीक्रेशन।
वो देखें। श्रावण, श्रावण की जो क्रियाविधि होती है, अभी हम बात कर रहे हैं मेलपीगी काय के अंदर, थोड़ा सा पीछे मेलपीगी काय के अंदर बोमेन संपुट के अंदर रुधिर में से नाइट्रोजनी जो पदार्थ होते हैं वो छनकर बोमेन संपुट की गुहा में आते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बोमेन संपुट की गुहा में या ग्लोमेरुलस के द्वारा छनकर उसकी गुहा में नहीं आते हैं, तो वो पदार्थ जो होते हैं वो वापस अपवाही धमनिका के माध्यम से, अपवाही धमनिका के माध्यम से वापस केशिकाओं में चले जाते हैं। यानी कि ग्लोमेरुलस उन पदार्थों के लिए पारगम्य नहीं होता है जो कि शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं, वे पदार्थ अपवाही धमनिका के माध्यम से वापस केशिकाओं में चले जाते हैं और ये केशिकाएं जो होती हैं इनको डायरेक्ट ही वृक्क नलिकाएं जो होती हैं उन वृक्क नलिकाओं के अंदर डायरेक्ट जाकर छोड़ती है, यानी कि पीसीटी के अंदर ये समीपस्थ कुंडलित नलिका जो होती है उसमें जाकर छोड़ती है। तो ये क्रिया जो है वो श्रावण या फिर सीक्रेशन की कहलाती है। इस प्रकार सभी नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। धन्यवाद।